नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमडीएल इन्फॉर्मेशन में। अगर भाइयों आप सभी को आवास योजना से संबंधित हर एक अपडेट व नई नई जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल एमडीएल इन्फॉर्मेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए भाई बात करते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत एक और वीडियो को लेकर। जी हाँ भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चार बड़ी अपडेट को लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच में। दोस्तों आपको बता दें, पीएम आवास योजना का आवेदन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब आएगा, या फिर ये जान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना की रिजेक्ट लिस्ट में किन किन लोगों का नाम शामिल किया गया है। तो चलिए भाइयों जानते हैं कौन कौन से लोग जिनको इस बार पैसे नहीं मिल पाएंगे। जी हाँ भाई, 15 जुलाई तक सभी लोगों को आवास योजना की राशि ट्रांसफर करने शुरू कर रही है सरकार इस माह के लेकर। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको नहीं मिल पाएगा पीएम आवास योजना का पैसा इस महीने के भीतर में। चलिए भाई वो कौन कौन से लोग हैं मैं आपको बता दूँ। हर महीने कुछ ना कुछ लोगों का रिजेक्ट लिस्ट जारी करती है सरकार, इस बार भी जारी कर दी गई है पीएम आवास योजना के अंतर्गत में। कुछ लोग ऐसे लाभार्थी हैं जिनका रिजेक्ट की सूची में नाम आ गया है। भाइयों अगर आप लोगों का नाम है तो दोस्तों आप लोग अपने नज़दीकी है, अगर आप लोग शहरी आवास योजना से चेक करना चाहते हैं नज़दीकी है डूडा ऑफिस में जा सकते हैं। और अगर अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो हमारे चैनल पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसकी भी वीडियो बता देंगे कि कैसे चेक करना है कि आपका नाम रिजेक्ट की सूची में शामिल किया गया कि नहीं। भाइयों तो चलिए भाई बात दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर, पीएम आवास योजना का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है ये दोस्तों बात करते हैं। सभी लोगों को बता दें ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मॉड में रजिस्टर होने वाली संख्या को बढ़ा दिया है दोस्तों, और इस महीने भी जितने लोगों का पैसा पास होना था उन सभी लोगों का पास हो चुका है। जी भाइयों, जो मॉड में रजिस्टर हुए हैं सभी लोग आवास के लाभार्थी हैं, उन सभी लोगों का फंड जारी कर दिए सरकार। जैसे ही राज्य सरकार जारी करता है पैसा, यानी जैसे ही राज्य सरकार इसको लागू करती है अपने अन्य राज्यों में, वैसे ही वहां पर आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ भाई, अभी थोड़े दिनों बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लेकर। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर। दोस्तों शहरी आवास योजना का भी आवेदन शुरू हो चुका है, आप लोग जाकर अपने नज़दीकी डूडा ऑफिस पर पीएम शहरी आवास योजना का फॉर्म आवेदन करवा सकते हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं हम तीसरी बड़ी अपडेट है पैसे को लेकर। जी हाँ भाइयों, आवास योजना का पैसा कब से आ रहा है ये बात जान लीजिए। दोस्तों आपको पहले बताएं कि 15 जुलाई से इस महीने के जो पैसे बाकी हैं उन सभी लोगों को शुरू को पैसा भेजना शुरू कर रही है सरकार। अपने नज़दीकी हर एक डूडा ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं कि पीएम आवास योजना का पैसा आप सभी का आना शुरू हो जाएगा दोस्तों 15 जुलाई से। दोस्तों इसमें कुछ ही ऐसे लाभार्थी होंगे जिनको पैसा रिसीव हो पाएगा, मैंने अभी बताया है। कुछ ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका पैसा नहीं आ पाएगा, चाहे वो शहरी आवास योजना हो चाहे ग्रामीण आवास योजना हो, दोनों तरफ से ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है दोस्तों कि कुछ जगह पर सभी लोगों का पैसा फेल कर दिया जा रहा है। तो चलिए भाई वो लोग कौन कौन से रहेंगे मैंने आपको बताया, अपने नज़दीकी डूडा ऑफिस में जा सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे वीडियो को नीचे कमेंट करिएगा अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो। चलिए आपको बताते हैं आखिरी बड़ी अपडेट को लेकर। तो दोस्तों आखिरी बड़ी अपडेट आ रही है आधार कार्ड को लेकर। जी हाँ भाइयों, जितने लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया या फिर पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा है उन सभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भाइयों ने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवा पाए होंगे तो आप लोगों को अपडेट करवाना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों आधार कार्ड को जो अपडेट करने वाली सीमा वो सितंबर तक कर दिया गया है। जो वेरीफाई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आधार कार्ड में आपको वेरीफाई कैसे करना है, वरना दोस्तों आप लोगों को क्या करना है आपको मैं बताता ही रहता हूँ। तो चलिए आपको बता दें कि अगर आप लोग आधार कार्ड में अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा इस महीने पीएम आवास योजना का पैसा दोस्तों। तो चलिए भाइयों अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल एमडीएन इन्फॉर्मेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। धन्यवाद मेरे भाइयों।